Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. Today we will discuss our second chapter of geography, which is natural resources. Natural resources are land, soil, water, natural vegetation and wildlife. We will discuss each of the natural resources. First, land resources. Students, हम सबको पता है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. ह्यूमन बीइंग उसे यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स. अब वो नीड्स किस टाइप की हो सकती है? हम सब जानते हैं कि हम लैंड को यूज़ करते हैं फसल उगाने के लिए, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर माइनिंग कह सकते हैं, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमें जिन मिनरल्स की हमें ज़रूरत है वो सारे लैंड में नीचे खुदाई करके ही निकाले जाते हैं. वहीं जहाँ हम रह रहे हैं, मतलब जो हमारे घर हैं, जो हमारे ऑफिसेज हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, वो सभी इस लैंड पे बने हुए हैं. सो वी कैन से लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. लेकिन जितनी भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हमारा 100% जो अर्थ सरफेस है उसमें से ओनली 30% ही अर्थ सरफेस वो क्या है, लैंड है. बाकी सारा 70% वाटर से कवर्ड है. उस 30% में पूरा का पूरा हैबिटेबल नहीं है, मींस वहाँ पर प्रॉपर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं है. कहीं तो ऐसा है कि लैंड बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत कम लोग रह रहे हैं, और कहीं ऐसा है कि लैंड बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं. अब इन दोनों के कुछ रीज़न हो सकते हैं. एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स दैट इफ़ वी डिड नॉट गेट, अगर हमें प्रॉपर लिविंग कंडीशन फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड नहीं होंगी जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहेंगे. जैसे पहाड़ी इलाके में लोग बहुत कम रहते हैं, ऊंची नीची ज़मीन जहाँ होती है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, या फिर जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ कम लोग, रेगिस्तान में कम लोग रहते हैं. बट कहीं अगर एकदम सीधी ज़मीन है जहाँ पे इजीली एग्रीकल्चर पॉसिबल है, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा पास में हैं, तो वहीं पे क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होंगे, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव करेंगे. लैंड यूज़, एक ज़मीन के टुकड़े को फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करना, उसी को लैंड यूज़ कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर वी हैव अ लैंड ऑफ 15 acres और 15 मीटर्स, सो वी कैन यूज़ इट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स, माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग, इन्हीं सब को फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए जब लैंड यूज़ होती है तो उसे लैंड यूज़ बोलते हैं. जैसा हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको एग्रीकल्चर एरियाज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं उनको फॉर मेंटेनिंग बिल्डिंग या फॉर बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, इन सब के लिए यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट, ऐसे फैक्टर्स जो कि लैंड यूज़ के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल फैक्टर, मींस लैंड कैसी है, प्लेन है और इट्स अप और डाउन, द क्वालिटी ऑफ सॉइल अवेलेबल देयर, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, पानी अवेलेबिलिटी कैसी है, मिनरल रिसोर्सेज कैसे हैं. वहीं इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, वहाँ पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है. सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल हम सबको पता है कि जिस अर्थ क्रस्ट पे हम रहते हैं उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल है. सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो जितने भी हम सब क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है अपने खाने के लिए, और प्लांट्स जहाँ उगते हैं वो सॉइल में ही उगते हैं. सॉइल बनी हुई होती है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, रॉक्स, इन तीनों के मिक्सचर से. कैसे बनती है वो आगे देखेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, फर्स्ट वन इज़ पैरेंट मटेरियल. अगर जैसे हम सबको पता है कि जो सॉइल बनती है वो रॉक से बनती है, बड़ी बड़ी चट्टाने पत्थरों में टूटते हैं, पत्थर फिर टूट के चूरा होकर के मिट्टी बनाते हैं.
नॉर्थन प्लेन्स में जो सॉइल है वो हिमालयन रिवर की तरफ से आती है। जब वो पानी के बहाव के साथ आती है तो उसके बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन पार्टिकल्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे दरदरी मिट्टी है। उस दरदरी मिट्टी की वजह से वहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो मॉडरेट लेवल पे, ना ज़्यादा ना कम। रिलीफ, रिलीफ मींस हम कह सकते हैं ढलान। तो जितना स्लोपिंग एरिया होगा उतनी ही जो सॉइल फॉर्मेशन है वो जल्दी होगी। हम ऐसा सोच सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा रिलीफ ढलान ज़्यादा होगी वहाँ पे पानी का बहाव भी तेज होगा। पानी के बहाव तेज की वजह से वहाँ पर थिन लेयर होगी सॉइल की। और अगर वहाँ पे जेंटल स्लोप नहीं हुई, मतलब वहाँ पे सीधी सीधी ढलान, मतलब ढलान ना हो, आप ये सोचिए, तो वहाँ पर डीप लेयर्स होंगी, मतलब पानी वहीं इकट्ठा रहेगा और मिट्टी भी वहीं इकट्ठी रहेगी। क्लाइमेट, स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर ज़्यादा हो तो सॉइल फॉर्मेशन बहुत ईजीली हो जाता है। वहीं अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर कम हो तो सॉइल फॉर्मेशन में टाइम लगता है। नेचुरल वेजिटेशन, अगर डिकेड, मतलब सड़ी हुई पत्तियाँ जो कि ह्यूमस बनाती है, वो अगर वहाँ ज़्यादा है जहाँ सॉइल है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन सुनिएगा, आगे बहुत काम आएगी। जो सॉइल है वो क्या करती है, रूट्स को अपने अंदर दबा के रखती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द डायग्राम। हमने अभी अभी पढ़ा कि सॉइल फॉर्मेशन को कौन से पांच फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो दीज आर द पैरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस नेचुरल वेजिटेशन, टाइम, एंड दिस इज क्लाइमेट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। एज वी ऑल नो दैट सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर, तो जब वो सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर है तो उस पर विंड, ग्लेशियर्स, वाटर, सी वेव्स, करंट, इनका ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि ये पानी के बहाव के साथ या हवा के बहाव के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा पहुंचती है। इक्विलिब्रियम होता है। क्यों होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर मिट्टी एक जगह से उड़ेगी तो वहाँ पे लेवल कम होगा, वहीं जहाँ जाकर जमा होगी तो वहाँ पर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मिट्टी इक्वल ही रहती है। इसकी जो टॉप सॉइल रिमूव होने की वजह से कहीं पर लेवल सॉइल का बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और कहीं थिन हो जाता है। अगर ये लेवल, ये रेट बढ़ता रहा तो इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। कोजेस हो सकते हैं सॉइल इरोजन के, डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे पेड़ ज़्यादा काटे जाएंगे वैसे वैसे सॉइल इरोजन बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं। ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड, एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स दैट एनिमल्स ग्रेज ओवर द सॉइल और द प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉइल, सो ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड अफेक्ट सॉइल इरोजन। इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, अगर फार्मिंग टेक्निक्स सही तरीके से नहीं यूज़ होती तो वो सॉइल को मतलब ज़मीन को बैरन, बंजर बना देती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है। विंड एंड रेनफॉल, अगर हवा का बहाव तेज़ होगा, अगर रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। दिस इज़ द डायग्राम कि मिट्टी कैसे बनती है। लाइट एंड हीट, प्लांट लिटर, रन ऑफ एंड इरोजन, पैरेंट मटेरियल, सॉइल, सम मेथड्स टू कंजर्व सॉइल। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ऐसी फॉल्टी लैंड प्रैक्टिसेस हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़े।
प्लांट्स ना सिर्फ सॉइल को उड़ने से रोकते हैं, बल्कि ना सिर्फ पकड़ के रखते हैं बल्कि उन मिट्टी को उड़ने से भी रोकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉइल क्रॉप से, फसल से या फिर नेचुरल वेजिटेशन से ढकी रहेगी तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन कम होगा, जैसे मेकिंग स्लोप्स, काउंटर बाउंडिंग, प्लफिंग, बिल्डिंग, चेकिंग डैम्स, एनिमल ग्रेजिंग शुड बी लिमिटेड टू अ सस्टेनेबल लेवल। नेक्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है कि हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए जिनकी वजह से ज़्यादा सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा बनेगा जिसकी वजह से ह्यूमस प्रोवाइड होगा सॉइल को और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। प्लांट्स के बीच में जो बंजर ज़मीन होती है उस पर अगर हम लेयर बना दें ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसकी वजह से सॉइल मॉइस्चर बना रहता है, तो इसे ही मल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज काउंटर बैरियर्स। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स, इनसे बैरियर्स बनाए जाते हैं और ये बैरियर्स क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। डैम मतलब एक दीवार सी खड़ी की जाती है पत्थरों की, जिसकी वजह से पानी का बहाव कम किया जाए, और इसकी वजह से पानी का बहाव कम होगा तो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बहाव जो पानी के साथ होता है वो भी कम होगा और सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्लोप्स हों, मतलब ऐसी कहीं अगर ज़मीन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोपी हो, तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। इंटरक्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉप्स उगानी चाहिए रोज़ में, ताकि अगर रेन वॉश मीन्स बारिश आए तो उसकी वजह से मिट्टी उसके साथ ना बहे। काउंटर प्लफिंग, प्लफिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। हमें जब भी प्लफिंग मीन्स खुदाई करते हैं तब एक काउंटर मीन्स एक नाला टाइप सा बना देना चाहिए, जिसमें अगर बारिश हो तो पानी वहाँ से निकल जाए, ना कि पूरे खेत में सॉइल इरोजन हो। शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। शेल्टर बेल्ट्स तैयार की जाती है ताकि हवा का बहाव कम कर सकें और सॉइल इरोजन कम हो। स्टूडेंट, दिस इज़ मल्चिंग। मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट्स के बीच में एक अलग सी स्ट्रॉ टाइप ऑर्गेनिक मैटर की लेयर तैयार की जाती है उसे मल्चिंग कहते हैं। दिस इज़ रॉक डैम, जब पत्थर से दीवार बना दी जाती है पानी का बहाव रोकने के लिए। दिस इज़ काउंटर प्लफिंग एंड दिस इज़ टेरेस फार्मिंग। Our next topic and the most important topic of its water. As we all know students, the water is colorless, कोई रंग नहीं है, tasteless, उसका कोई taste नहीं है, लेकिन हमारे earth surface का about 71% area cover करता है। लेकिन जितना भी पानी लैंड सरफेस पे अवेलेबल है उसमें से 97% पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है, और उस 3% में से भी बहुत सा पानी ग्लेशियर में जमा बर्फ़ बना पड़ा है। इसमें से सिर्फ 2/3 पानी हम कह सकते हैं ग्लेशियर है और 1/3 हमें अवेलेबल है, जिसे हम एज अ फ्रेश वाटर फॉर डेली पर्पसेस यूज़ करते हैं, जो अवेलेबल है लेक, रिवर्स, स्ट्रीम ऑफ अंडरग्राउंड एंड एक्वीफर्स में। पानी इवेपोरेट होकर ओशियन से और भी वाटर बॉडीज से बादल बनते हैं, देन उन्हीं बादलों से वापस प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, स्नो होती है, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ह्यूमन बॉडी अराउंड 65% तक पानी से बनी हुई है। एक इंसान 30 दिन तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन अगर वो 7 से 10 दिन पानी ना पिए देन इट कैन लीड हिम टू डेथ। प्लांट्स
क्रॉप्स सभी को अपनी ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिशंट होते हैं जो कि फसल उगने में या फिर पेड़ पौधों के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छा है तो फार्मर्स को इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ रेनफॉल प्रॉपर या अप्रोप्रिएट नहीं है वहाँ पर स्पेशली वाटर बॉडीज से पानी ले जा कर के नीडी एरियाज तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। वाटर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं वो एज अ कूलिंग यूज़ होता है, कहीं एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है और कहीं एयर कंडीशनिंग मींस क्लीनिंग इन एयर कंडीशनिंग यूज़ होता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि वाटर से बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज इन आवर होम्स। वाटर इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर एज अ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ होता है, क्योंकि जब तक एरोप्लेन्स इन्वेंट नहीं हुए थे तब तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो मोस्टली शिप से होता था, और आज भी कहीं बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर एज अ ट्रांसपोर्टेशन अभी भी वाटर और शिपिंग यूज़ की जाती है। पानी एज अ वाटर बॉडीज में रिक्रिएशन भी यूज़ होता है फॉर बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पानी की कमी आई है। सबसे पहली ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की प्रॉब्लम आ रही है। डोमेस्टिक यूज़ पानी का इंक्रीज़ हो रहा है और पानी की कमी आने की वजह से वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट भी हो रही है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद फार्मर्स ने कॉमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। कॉमर्शियल क्रॉप्स में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स पानी का क्लाउड से वापस आना प्रेसिपिटेशन होता है, वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रेनफॉल। और रेनफॉल इंडिया में बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, बिल्कुल भी इवन नहीं है। कहीं पर तो एवरेजली अगर हम देखें इंडिया का तो 117 मीन्स 117 सेंटीमीटर है, बट अगर थार डेजर्ट का देखें तो 20 सेंटीमीटर से भी कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज इंडिया में बहुत सी MNCs हैं जिनकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में। ये इंडस्ट्रीज़ फॉर देयर एज अ रॉ मटेरियल कह सकते हैं, या फिर फॉर देयर इंडस्ट्रियल पर्पसेज दे यूज़ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी बनती है पानी से, मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट हो रहा है। हमारी आज अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से जो हमारी सिटीज़ हैं वो ओवर पॉपुलेटेड है, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो वाटर रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ओवर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है या वाटर लेवल है वो इन स्टेट्स का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पॉल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जैसे घर का कचरा और इंडस्ट्रीज़ का कचरा सीधा वाटर बॉडीज़ में डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हमने अभी तक रियलाइज़ किया कि ओवर एक्सप्लोइटेशन और एक्सेसिव यूज़ की वजह से, अनइवन अवेलेबिलिटी की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें पानी की कमी या वाटर स्कैरसिटी है। ओवर एक्सप्लोइटेशन, मिसमैनेजमेंट ही ये इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। सो आज की ज़रूरत ये है कि हमें जो वाटर रिसोर्स हैं उनको कंजर्व और मैनेज करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर,
पानी के बहाव को हमें धीमा रखना चाहिए, धीरे रखना चाहिए, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे ना जाए। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाकर कंजर्व करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी इरिगेशन में यूज़ होता है तो ओवर इरिगेशन से बचना चाहिए, कैनाल्स बनानी चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसे ड्राई रीजन्स हैं जहाँ पे इवेपोरेशन रेट बहुत कम है, तो वहाँ पर पानी अंडरग्राउंड पाइप से सप्लाई होना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि कूलिंग पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ करती है, तो उन्हें रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। डोमेस्टिक यूज़ की हम बात करें तो वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो किचन का वेस्ट वाटर निकले उसे गार्डन्स में फॉर प्लांटिंग द प्लांट्स यूज़ करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द पानी का सही तरीके से यूज़ करना सीखना पड़ेगा, वरना ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं इंडिया में जहाँ पे पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, और ऐसा टाइम बहुत जल्द आएगा जहाँ पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम आएगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट कम्युनिटी जो कि विदाउट ह्यूमन, मतलब जिसे इंसान बिल्कुल भी ना छेड़े, ना उगाए, ना उसका बाद में ध्यान रखे, जो नेचुरली अपने आप ग्रो हो, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। इसमें स्पेशली प्लांट्स आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ उस नैरो जोन में आते हैं जो कि तीन चीज़ों के कॉन्टेक्ट से बनते हैं, फर्स्ट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। और वो इन तीनों का जब कांटेक्ट होता है तो क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग्स आते हैं जो कि एक दूसरे पर पूरी तरह एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल हमारे दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वेजिटेशन बायोस्फीयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वेजिटेशन बहुत से ऐसी बायोकेमिकल साइकिल्स हैं, स्पेशली वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वेजिटेशन सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में, सॉइल की वॉल्यूम, केमिस्ट्री, टेक्सचर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एज वेजिटेशन आर द प्लांट्स एंड द डेड एंड डिकेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। वेजिटेशन ऑल्सो सर्व्स एज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, क्योंकि जो बहुत से वाइल्ड लाइफ है वो फीड करते हैं किन पर, प्लांट्स पर। और प्लांट्स कौन प्रोवाइड करता है, नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर फूड प्रोडक्शन होता है, वुड मिलती है, फ्यूल मिलता है और भी बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। ग्लोबल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। वाइल्ड लाइफ जैसे एनिमल्स, बर्ड्स इंसेक्ट्स और एक्वेटिक फॉर्म, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल्स, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। इंसेक्ट जैसे बीज है वो हमें हनी प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ में पॉलिनेशन, फ्लावर्स का जो पॉलिनेशन है उसमें हेल्प करते हैं। जो इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं। वहीं जहाँ वल्चर है वो डेड लाइफ स्टॉक को फीड कर खाती है, जिसे हम स्क्वेंजर बोलते हैं। ये सारे के सारे, चाहे वो कोई बड़ा एनिमल हो या कोई बड़ी बर्ड हो या छोटा हो, सारे के सारे हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन टेम्परेचर, मॉइस्चर के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा।
फॉरेस्ट उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर और टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे ट्रीज़ का साइज़ और डेंसिटी कम होती जाती है। ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट है वहाँ पे ट्रीज़ शॉर्ट हाइट के मिलते हैं और ग्रासेस मिलती हैं। ऐसी जगह जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ पे थॉर्नी स्क्रब्स एंड श्रब्स मिलती हैं, मीन्स झाड़ियाँ, कांटेदार पेड़ पौधे मिलते हैं। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लो रेनफॉल है, मीन्स रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर प्लांट्स की डीप रूट्स होती है जिनसे वो मॉइस्चर ज़मीन से खींच पाएँ, और इनका वैक्सी जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी और थॉर्नी होती हैं जिनकी वजह से ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो पाए। एवरग्रीन एंड डेसीडियस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एवरग्रीन और डेसीडियस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का कोई पर्टिकुलर सीज़न या टाइम नहीं होता फॉर शेडिंग देयर लीव्स, पत्तियां झाड़ने के लिए। वहीं डेसीडियस फॉरेस्ट अपने पत्तियां एक पर्टिकुलर सीज़न में शेड करती हैं, झाड़ते हैं, ताकि उनका जो लॉस ऑफ मॉइस्चर है वो कम से कम हो। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन मीन्स प्लांट एंड एनिमल दोनों ही हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरे में है इनके बिकॉज ऑफ मैन मेड फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो आज एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त होने की कगार पर हैं। पोचिंग मीन्स इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, फिशिंग करना, ट्रैपिंग या फिर वाइल्ड एनिमल्स को पका के खाना, ये सब फैक्टर्स जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त कर रहे हैं। एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल, एनिमल्स को गलत तरीके से पकड़ा जाता है ताकि उनका इलीगल तरीके से ट्रेड किया जा सके, उनकी स्किन्स का, नेल्स का, टीथ, हॉर्न्स और फेदर्स का। ये जो जिन एनिमल्स का शिकार किया जाता है वो है टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, स्नो लिपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। हमें अगर हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस एकदम प्रॉपर रखना है तो ये जो स्पीसीज हैं इनको हमें अनडिस्टर्ब मीन्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिनसे इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है बर्ड्स एंड एनिमल्स की, जिनकी वजह से या तो वो लुप्त हो चुके हैं या फिर लुप्त होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन महोत्सव, अपने रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं ताकि पोचिंग को कंट्रोल कर पाए। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच गाइज़।